मिर्जापुर मझुआ विधानसभा क्षेत्र में जब पुष्पलता बिंद निकलती हैं तो पूरा इलाका बिल्कुल ऊर्जावान महसूस अपने आप को करने लगता है। आखिर क्या कारण है कि पुष्पलता बिंद समूचा भरा संपन्न परिवार को छोड़कर सारी संपदा को त्याग कर अपने नौकरी को त्याग पत्र देकर और समाज की सेवा के लिए निकल पड़ी हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए निकल पड़ी हैं और अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए सदैव कटिबद्धता और प्रतिबद्धता जाहिर करने के पीछे शायद यही कारण है कि जब उस क्षेत्र में निकलती हैं तो समूचा इलाका उनके स्वागत के लिए खड़ा दिखाई पड़ता है। तमाम इन सवालों के साथ हमने जब पुष्पलता बिंद से जानना चाहा। पुष्पलता जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आप मझुआ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हुई हैं। लोग चुनाव लड़ते हैं और वादा खूब करते हैं, आप में क्या अंतर है? मुझे बहन जी ने बुलाया, लखनऊ गई, दिल्ली, वहाँ से उनसे बात हुई डायरेक्ट, तो उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें मझुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ और तुम समाज के लिए अच्छा कार्य करो और अपने बिंद समाज दलित समाज को आगे उठाए बढ़ाएंगे और हर एक चीज में शिक्षा कोई भी समस्या है उसके लिए मैं तत्पर रहूंगी, उनका आशीर्वाद रहेगा। तो मुझे मझुआ विधानसभा से टिकट उन्होंने बुला के दिया है, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ की प्रत्याशी घोषित हूँ। क्या करेंगी, लोग क्यों आपको वोट दें, आप क्यों चुनाव मैदान में आना चाहती हैं? मैं 2004 से समिति पद पे थी और आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कि ताकि हम शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ग्राम का मझुआ विधानसभा का विकास हो, बिजली हो गया, रोड हो गया, हर एक चीज का मैं विकास कराऊंगी अगर मैं वहाँ से सफल हो गई। ये बहुत बड़ा त्याग पत्र आपने दिया है, एक रोजगार को आपने किनारे कर दिया और समाज सेवा चुना है, तो क्या देखती है इसके पीछे, कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि आपने समाज सेवा को चुना है? सर, मेरे साथ बहुत अन्याय, हम लोगों के शिक्षा मित्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, मैं इसलिए उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की हूँ। पूरा देश इस वक्त शिक्षा मित्रों के मामले को जानना चाहता है, आप कैसे देखती हैं? शिक्षा मित्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है क्योंकि 15 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, मैं उन लोगों को न्याय दिलाऊंगी, मैं जैसे ग्राम विकास कराऊँ, हर एक चीज में आगे बढ़ते हुए विकास कराऊंगी, जैसे बिजली हो गया, युवाओं को रोजगार हो गया, शिक्षा संबंधित जो भी चीजें हैं मैं उसमें कदम बढ़ाती जाऊंगी कि सब लोगों का विकास हो, सबको कुछ रोजी रोटी मिले। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, क्या देखती हैं वहाँ मझुआ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर क्या है वर्तमान दौर में? शिक्षा का स्तर बहुत गिरता हुआ चला जा रहा है, हम लोगों का कुछ हो नहीं रहा है, जिससे पिछड़े वर्गों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तो हम चाहती हूँ यही कि सब समाज हमारे साथ जुड़े, हम सबको आगे लेके चलना चाहती हूँ। आपकी बात क्या बसपा सुप्रीमो मायावती से कुछ हुई है क्या? जी सर। क्या बात है? मेरी मायावती बहन जी से डायरेक्ट बात हुई थी दिल्ली में जाकर के, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं अपनी दलित बहनों बेटी हो, दलित समाज की बेटी हो, मैं आपको मेरे आगे उठाना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। आपको लगता है कि बीएसपी की सरकार ज्यादा बेहतर काम करती थी? जी सर, बहुत पहले मायावती की सरकार थी जब गुंडागर्दी चरम पे नहीं थे, इस समय तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है, उनके सरकार के लोग आज भी याद करते हैं, बहन जी ने कहा है कि मैं गुंडागर्दी मेरी अगर सरकार बन